तो कैसे हैं मेरे भाइयों और मेरे साथियों, क्या आपके वीडियो में एड्स नहीं आती है? आपका यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो गया है, फिर भी आपका अर्निंग नहीं हो रहा है? इसके कई कारण हो सकते हैं जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपके वीडियो पे एड्स नहीं आ रहे के कारण अनेक हो सकते हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ अपना पर्सनल टिप्स शेयर करूँगा जो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो जो मैं अगला वीडियो बनाऊँगा वो अब तक चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर वन कि आपको अपने चैनल में, अपने वीडियो के टाइटल में कभी हैकिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ, आप अपने कीवर्ड या वीडियो टाइटल में हैकिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो YouTube उस पर एड्स नहीं देता। और आपको देखने को मिलता भी होगा कि आप जिस हैकिंग से रिलेटेड वीडियो बनाए होंगे या कीवर्ड्स डाले होंगे तो उसको अपलोड करने के बाद जब आप मोनेटाइजेशन करते होंगे तो उसमें आपको पीला कलर का येलो डॉलर आपके सामने आ जाता होगा। इसका मतलब ये है कि उस वीडियो पे एड्स आएंगे नहीं, आएंगे तो बहुत कम आएंगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जहाँ से आपके वीडियो पर एड्स बहुत अधिक ही आएंगे। दूसरा टिप्स आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये ज़्यादा फोकस देने वाला टिप्स है, इससे आपके अर्निंग्स दोगुना हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये टिप्स ये है कि आपको मोबाइल से संबंधित अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आप बनाते हैं तो इस तरह का वीडियो पर बहुत ही अधिक से व्यू आते हैं। आपको टाइटल एवं कीवर्ड्स में, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट हो गया या तो अमेजोन हो गया या किसी मोबाइल की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं तो इस तरह के वीडियो पे ज़्यादा एड्स आते हैं। क्यों आते हैं मैं आप लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए यूट्यूब पर आप लेनोवो के संबंधित वीडियो देख रहे हैं, यानी लेनोवो कंपनी का मोबाइल जो होता है उसके अनबॉक्सिंग वीडियो देख रहे हैं, तो उस वीडियो पे ज़रूर एड्स आएंगे। क्यों? वो लेनोवो के एड्स नहीं आएंगे बल्कि MI हो गया या तो ओप्पो वीवो का एड्स आएंगे। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड्स डाले हुए रहते हैं। ओप्पो वीवो कंपनी जो वीडियो एड्स का कैंपेन चलाते हैं वो अपने कैंपेन कीवर्ड्स में वहाँ पे कीवर्ड्स डाले होते हैं। अगर कोई बंदा इस टॉपिक पर सर्च करता है, इस टॉपिक पर वीडियो देखता है तो वहाँ पे मेरा वीडियो शो हो, क्योंकि जो लेनोवो का जो बंदे जो ग्राहक है उसके वो ओप्पो और वीवो में आ जाए। अगर कोई बंदा लेनोवो की अनबॉक्सिंग वीडियो देखता है ओप्पो और वीवो के एड्स देखने को मिलेगा आपको। शायद इस चीज़ पर आपको ज़रूर गौर करना है। आपको फ्लिपकार्ट हो गया या अमेजोन हो गया, इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाते हैं कि फ्लिपकार्ट से ये प्रोडक्ट खरीदें वो प्रोडक्ट खरीदें, तो वहाँ पे किस तरह के एड्स आएंगे आपको पता है? वहाँ पे फ्लिपकार्ट के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो उस वीडियो पे आपको अमेजोन से संबंधित एड्स आएंगे। क्यों? और सभी जो भी होगा हर क्लिक पर एड्स आना ही आना है, क्योंकि कंपनी लोग कीवर्ड्स लगा रखे हैं अपने वीडियो कैंपेन एड्स में, जो होता है वो एड कर रखे हैं। अगर कोई बंदा फ्लिपकार्ट की देखता है तो उसके जो ऑडियंस है वो मेरे पास आ जाए, इसलिए वो कैंपेन पर कीवर्ड्स डाले हुए रहते हैं कि कोई बंदा अगर फ्लिपकार्ट शॉपिंग कैसे करे सर्च करता है तो उस वीडियो पर मेरा एड्स हो, यानी अमेजोन का। तो इस तरह का एड्स सोच समझ कर वीडियो आप बनाएंगे तो आपके वीडियो पर ज़रूर व्यू आएंगे, और अच्छे से अच्छा टाइटल और टेक्स्ट डालिए तो आपके वीडियो पर ज़रूर एड्स आएंगे और आपका अर्निंग ज़रूर बढ़ेगा।